सकारात्मक थी अच्छी थी रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करना बाल मेरे कटे हुए उस वक्त क्लास लगना डॉन हाँ। बनना हाँ। ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगता है डॉन वॉन बनना दैट गेव अस कॉन्फिडेंस एंड व्हेन दे अप्रोच्ड डस फॉर पीछा करती परछाई एंड वी थॉट दिस इज द राइट टाइम बिकॉज सुरनाई भी अपना चालीसवां साल मना रहा था माई बुक इज कमिंग इन नवम्बर ऑटोबायोग्राफी और पेंगविन उसको चोली के पीछे क्या है ये हम आज आपको बताते हैं चोली के पीछे और ऐसे कई गानों के पीछे है इनकी दमदार आवाज पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे है इनकी अदाकारी का खूबसूरत अंदाज

तक अगर हम जर्नी देखें तो आपका क्या टेक है ऑल दोज वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स जो बनी है क्या आपको लगता है तब से लेके अब तक नैरेटिव काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है हाँ बिल्कुल चेंज हुआ है और अच्छे के लिए चेंज हुआ है पहले जब बनती थी कुछ हमारे ज़माने में तो वुमेन जो थी वो सेक्रीफाइसिंग थी सर, सर थी जैसे सुजाता मुझे बहुत पसंद थी नूतन जी की बंदनी थी प्यार अधूरा रह गया प्यार छूट गया या फिर वो क्लास uh, में दबी हुई क्लास की औरत है एक्सप्लॉइटेड है correct. अब जो कहानियां बन रही हैं उसमें काफी फिल्म है hmm. हर तरीके से वुमेन जो है अलग अपना छाप छोड़ जाती है बिल्कुल जैसे एडल्ट लव स्टोरी वे अगर हो जैसे चीनी कम थी उनका hmm. अमित जी और तबू का था hmm. या फिर विद्या की कहानी हो या फिर

मतलब संजय जो है उस समय नाराज हुई गंगू भाई में अच्छी खासी फिट होती नाउ आई कुड हैव डन द रोल व्हाट शबाना डेड दैट या या उस समय हम लोग इंट्रोड्यूस हुए थे तो वी वर द हमारे रोल वो थे जो कि सेक्स वर्कर्स थी करे, करे, और ऐसे कोठे पे घूम रही थी जी। अब हम इस पोजीशन में थे जहां हम अपनी टर्म्स को डिक्टेट कर रहे हैं और जो गंगू छोटी कर रहे हैं उसके रोल मॉडल की बिल्कुल uh, I hope this message reaches to Sanjay. Sir, ये हम और ये शिकायत है सर और मैं इसलिए दे रही संजय संजय क्योंकि Sanjay, I know him. And, uh, जब वो पर्सनली अगर नहीं सुनते तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है <laughs> कि चौराहे पे बैठ के डिस्कस की जाए मैम <laughs> <बिल्कुल। laughs> टेली प्लेस की अगर बात की जाए तो ओटीटी के एडवेंट से क्या आपको लगता है इंडस्ट्री में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं बहुत ज्यादा आया मैं तो मुझे लगता है कि मेरा तो पुनर्जन्म जो है वो ओटीटी की वजह से दोबारा हुआ जब ये कोविड आया था जी। तो ओटीटी उभर के आया जी। और उसमें वो भी फिल्में आई जो बहुत सकारात्मक थी अच्छी दिल्कुण। थी दिल्कुण। जैसे मेरी घूम के तू आई तो वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म आई लाइक नवाजुद्दीन के साथ ही थी फिर नवाजुद्दीन के साथ मेरी आ गई रात अकेली एंड देन हड्डी फिर मैंने बेगम कोनसी थी फिल्म Z5 ने की थी बेगम जान तो आई थी पर दूसरी Z5 के लिए फिल्म की थी आफलातून या समझ आफ़तावेश आफ़तावेश Kies वो नाम तो याद आ गया थैंक गॉड पांच फिल्में कोविड में किसी स्टार की नहीं होंगी जो हिलारूम की होंगी कोर्स क्योंकि तो ओटीटी ने अच्छे कंटेंट को ढूंढना शुरू किया बिल्कुल और अच्छे कंटेंट की फिल्मों को थिएटर में रिलीज नहीं मिल रहा था तो ये जो एक संगम हुआ उसमें हमारे जैसे कलाकार जो जिनकी ओबियस चॉइस है गुड कंटेंट या अच्छी स्क्रिप्ट तो वो करने का मौका मिला और वैसे भी ओ टी की वेब सीरीज चाहे हो सब्जेक्ट्स के का एक नया प्लेटफॉर्म शुरू हो गया है अच्छी अच्छी चीज़ें तो जो लोग जि, हर जिससे भी मैं मिलती हूँ तो वो जो मैं भी नहीं देख पाती हूँ दे अप्रिशिएट Correct. ये चीज अच्छी है वो चीज अच्छी है एंड सो मेनी एक्टर्स हैव गुड गुड चांस एंड दे प्रूव देयर वर्थ गुड फिल्म्स और गुड शोज की अगर बात करें तो हम आर्या थ्री को कैसे भूल सकते हैं बिल्कुल नहीं भूल सकते <laughs> मेरे दिल के बहुत करीब है राम अधवानी जी का आर्या सीजन टू तक जो था वो भी इतना ज्यादा अप्रिशिएट हुआ yes. था कि जब मैं sure. सीजन थ्री में आई hmm. तो एक ऑलरेडी उसका सब जगह चर्चा हो रही थी बिल्कुल सो ही इंट्रोड्यूस मीन

आए वो लोग थे गरिमा है थिएटर एक ऐसी खूबसूरत विधा है जिसको टेलीविजन uh, पे देते समय लगता है कहीं मर्डर तो नहीं कर देंगे बिल्कुल, बिल्कुल. एक लाइव परफॉर्मेंस का बट दे वर वेरी श्योर एंड आई मस्ट नॉट फॉर्गेट माई फर्स्ट मीटिंग विद जी थिएटर आज से पंद्रह पंद्रह बीस साल पहले आई थिंक फिफ्टीन ईयर्स बैक वैन शी वॉन्टेड टू डू जमीला बाई कलाली वन ऑफ माई प्लेस शी वॉन्टेड टू डू ऑन जी थिएटर उनका कॉन्सेप्ट था बाहर से उन्होंने देखा था कि बिना थिएटर को हर्ट किए हुए हाउ टू कैप्चर इट एंड टेक इट टू लार्जर ऑडियंस सो अब उस बीच में हम लोग डरे रहे अपना काम करते रहे और उन्होंने काफी अच्छे प्रोडक्शन किए मकरंद के साथ किया नादरा जी के साथ किया आई थिंक सौरभ के साथ अच्छे प्लेस, अच्छे प्लेस अच्छे अच्छे लोगों के साथ किए दैट गेव अस कॉन्फिडेंस एंड वैन दे अप्रोच फॉर पीछा करती परछाई एंड वी थॉट दिस इज द राइट टाइम बिकॉज सुरनाई भी अपना चालीसवां साल मना रहा था और हमारे भी एक बी मूव स्टेप अहेड कि हमने really? प्रगति करी कि हमने yeah. नई hmm. एक जो टेक्निक आई है उसके साथ थिएटर को आम जनता तक पहुंचाया सो आई थिंक वेरी नाइसली दे डिड इट एंड हम कंफर्टेबल थे जिस तरह से वी हैड लॉट ऑफ डिस्कशंस एंड दे सॉ अस परफॉर्मिंग एट पृथ्वी देन दे हैड देयर ओन मीटिंग्स एंड देन वी हैड वन फुल रिहर्सल ऑन दे डिड नॉट इवन डिस्टर्ब आवर ब्लॉकिंग्स क्योंकि जब जो शो पचास परफॉर्मेंस हमने कर लिए हो, तो हमारे हमारे अब तक वो पूरे जिस्म में जा चुके हैं you know, उसको अगर, अगर शॉर्ट डिविजन कर देंगे तो फिर वो थिएटर थिएटर नहीं कहलाएगा सो रिहर्सल वहां देखा फिर एक रिहर्सल स्टेज पे हमने किया सेट मी मोर और लेस एग्जैक्टली सेम उसकी इतना ही उन्होंने बस गुंजाइश रखा कि दे इट्स जस्ट लाइक ऑडियंस ऑडियंस ये देखेगी कि, कि थिएटर में देख रहे हैं ओ, oh, अच्छा। उसका पूरा मतलब सिस्टम ऐसा ही रखा wow. गया सो विच वॉज चैलेंजिंग फॉर देम क्यों हमारे लिए तो वो सेटिंग जो थी हमारी थी बिल्कुल हाँ। हमें तो ये लगा कि हम स्टेज पे कर रहे हैं मैम सिनेमा तो है ही टेलीविजन भी है ओ भी आ गया बट डू यू मिस दैट एरा जब थिएटर्स वॉज ऑल्सो तो थिंग I yeah, I I miss it and I, I love it and and love live तो हमें लगता है कि you know, जैसे, वो कल्चर अलग है ग्रीन रूम में बैठना बतिया सामने नहीं. आपके हैं स्क्रिप्ट है मगिंग अप कर रहे हैं आप पूरा याद करना जरूरी है फर्स्ट बेल सेकेंड बेल थर्ड बेल

अब बोलेंगे और कुछ नहीं तो मैं चांद पे चली जाऊं यू नो वहाँ जाके कुछ अपना झंडा गाड़ के ऐसा कुछ नहीं पर जो एक और चीज़ है जो एक हर आदमी करना चाहेगा मैंने वो भी कर ली माय बुक इज कमिंग इन नवंबर ऑटोबायोग्राफी और पेंगुइन उसको पब्लिश कर रहा है विच इज अ वेरी बिग थिंग तो पीपल विल कम टू नो ऑल अबाउट माय लाइफ सो दैट आई हैव डन बट ऐसा सोचना नहीं चाहिए यू सी मैं एक सीक्रेट बताती हूँ यंग रहना है हुँ. और अगर चलते रहना है फ्री लांस इसमें रिटायरमेंट शब्द का नाम ही नहीं आ <laughs> <laughs> कि आप रिटायर हो गए हैं कैसे हो गए हमें हर दिन ब्रेक मिलता है करेक्ट तो एवरी डे इज न्यू फॉर एंड एवरी डे द स्ट्रगल इज कंटिन्यू करेक्ट सो वी आर यंग एंड विद विद द एज एब्सोल्युटली आई एग्री Uh, बात की जाए यंग एज की अगर मैम तो इस वक्त जो एज चल रहा है वो चल रहा है सोशल मीडिया का दौर आप तो कुछ नाम भी है ना आप लोग बिल्कुल बात कीजिएगा जेन जी <आपार. laughs> वाला कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है मेरे पास थोड़ा सा कल्चर डॉक्टर उसको इन्फ्लुएंसर कह लीजिए वॉट शी इज वेरी पॉपुलर ऑन इंस्टाग्राम सोशल मीडिया बहुत yes, yes. उसके कंटेंट्स आर हाईली अप्रिशिएटेड करेक्ट एंड सो ये तो मैं देखती रहती हूँ कि जनरेशन क्या पर जबान भी ऐसी हो गई है जो हमारी समझ के बाहर है हुँ. अब वो थोड़े दिनों में मौसम आने वाला है जब शब्द चले जाएंगे इमोजी <laughs> मुझे करना पड़ा एक बार मैं आई कैन नॉट मैंशन बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी को मैंने मतलब गलत चीज भेजी कौन सा हार्ट ब्रेक हाँ, वाला ओके अब उनका तुरंत फोन आया व्हाट व्हाट वॉट मैं समझी नहीं तो क्या क्योंकि दिल तो टूटा हुआ चला गया सो इवन द हार्ट्स हार्ट मैनी यस

द लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड फॉलोइंग एंड ऑल ये इंडस्ट्री का एक रूल बना सक्सेसफुल है कि नहीं कि उसमें बेचारे यंगर लोग हमारे जो ग्रुप में जो एक्टर्स आते हैं वो बेचारे बड़े कंफ्यूज लगते हैं वो रोल तो याद करते नहीं आ रहे हर वक्त रील बना रहे होते हैं mm -hmm. क्योंकि उनको बेचारों को

फर्स्ट इज द पे डिफरेंस विच वॉज देयर इन द इंडस्ट्री शायद अभी भी होगा पर अभी इतना खुल के बात नहीं होती है बट द पीपल फेस दैट वो अभी खुल के बात करते हैं उस बारे में क्या आपके साथ कभी पे डिफरेंस हुआ है हुआ है और होता रहेगा क्योंकि क्या है ना कि वो मैंने क्या बोला है कि मैं नहीं हुँ. बोल सकती हूँ यू हैव टू रीड तो ये क्या होता है वी हैव टू बी अवेयर ऑफ आर स्ट्रेंथ इंडस्ट्री में कुछ ऐसा होता है कि आप जो है वो समय लग जाता है ये पहचानने के लिए कि आपकी ताकत क्या है हाँ। अगर आप अपनी ताकत पहचान जाए और दूसरा की डिफरेंस है कमर्शियल सिनेमा है अगर उनको स्टार को बहुत देना पड़ता है और राइटफुली देना पड़ता है हुँ। विल हुँ। से, क्योंकि वो जो बिकता है वही उसी को तो पे करेंगे ना वहाँ उन्होंने खैरात तो लगाई नहीं है

क्यों ऐसा लगता है कि साउथ की तरफ इतना आकर्षण अचानक से चला गया लोग <laughs> हमारे पास थीम नहीं है कॉन्टेंट हमारे पास है नहीं तो इसलिए साउथ की तरफ जाते हैं सडनली दे थिंक कि इनके एक्शंस बहुत अच्छे हैं करेक्ट इनके ये बाहुबली जैसी फिल्म बनाते हैं तो भी चल जाती हैं तो देर इज समथिंग क्योंकि वो, वो लोग जो बिंदास खेलते हैं तो आई थिंक उनकी थीम्स उनके आर बेटर देन अब क्या है कि इतना फिल्म जगत इतना बढ़ गया है मैं तो वहीं टिकी हुई हूँ जहाँ थी सब वो पैन इंडिया है और वो साउथ इंडिया से रहा है ये होता आई कैन रहे कि आफ्टर सम टाइम नए की तलाश में करेक्ट और अप, जो आप खुद अपने से उब जाते हैं तो फिर ये फ्यूजन्स होते हैं पैन इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं और साउथ की बात करें तो ये लेन देन अच्छा है आई एम नॉट अगेंस्ट इट क्योंकि या तो अपना कंटेंट अच्छा लाओ दूसरी बात क्या है हिंदी साहित्य जो है जिससे हिंदी फिल्में बनती थी या उर्दू वो सब कुछ लोग सोचते हैं पुरान बनती अब मुगल आजम नहीं बन सकती हाँ। अब वो रोमांस ही नहीं रहा जब तमीज ही नहीं रही उठने बैठने की तो वो कैसे बनेगा पाकिजा क्या आपके पाओ देखिए और ट्रेन में चले जा रहे हैं सिर्फ पाओ पे शायरी कर रहा है रा राजकुमार ऐसे जी, लड़के भी नहीं पैदा हो रहे <laughs> और पे इश्क हो जाए सो टाइम इज चेंजिंग लैंग्वेज इज चेंजिंग उसको देखते हुए इंडस्ट्री सोची अभी टाइम है कि इधर उधर से Yeah. जाए बार बार वो फोक पे भी आते हैं बार बार वो बाहर भी चलता रहेगा जी 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 दो जो मुझे पसंद है बेंगलुरु हाँ। और uh, हैदराबाद में तीन फिल्में मैंने करी है वेल्डन अब्बा वेलकम टू सज्जनपुर और मंडी बिल्कुल ठीक है मैंने सुना है कि तेलुगु और कन्नड़ा इसमें ये इस तरह से कुछ होगा जो कि विच इज नॉट डबिंग विच इज आई टॉक इन हिंदी और वो कैसे मेरी आवाज कितना अच्छा लगेगा yeah, की मैं उस आवाज में साउंड करूंगी आई आई वुड लाइक टू टेल हैव मेनी फैंस इन बेंगलुरु एंड इन

Not creative people. उनका पैसा अगर तब डूबा चाहेंगे देखूंगी की लाश कहीं रैक पे मेरे नाम की श्रद्धांजलि ना लिखी हो बिकॉज वो पहले से प्रिपेयर थे एक, एक सिंगर बहुत बीमार था हाु. तो उनका पहले से ही श्रद्धांजलि बनावा तैयार था मैंने इनका मरने तो दो यार फिर सोचो कॉन्सेप्ट

गाने बहुत पसंद है लोगों को तो उस टाइप के अच्छे अच्छे गाने बनाओ तो चोली के पीछे का भी रीमेक हाँ चोली के पीछे मेरा वोट फॉर घाघरा जो इतना अच्छा था तो इन्होंने करा क्रू इन्होंने कहा आपको खुश होना चाहिए ऐसे खुश होना चाहिए तो बोले की यंग जनरेशन आपको प्यार करेगा ऐसे उनकी क्या बोले हमारी जनरेशन है वो उनको कोई प्यार से मतलब नहीं दो मिनट के लिए दे जस वॉन्ट ग्रूव ऑन दैट ग्रूव ऑन और दूसरा क्या है एस एवर्ड स्वैग hmm. स्वैग ये सब कर लेंगे उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं बिल्कुल सो दे शुड नॉट टच द ओल्ड रैक कैन यू ब्रिंग बैक लता जी नो नो सो व्हाई टू स्पॉइल हर म्यूजिक ट्रू व्हाई टू डिस्टर्ब समथिंग आर्काइव देम एलिसन टू देम अगर ऐसा नहीं होता तो पुरानी फिल्मों पे ही सारे रेडियो चैनल चल रहे हैं वही बज रहे हैं और लोग सुन रहे हैं जी So, वो कहना मुझे पड़ेगा बट दिस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन शुड बी पीछा करती पर, पर of course, I which is, excited yeah. फिल्मों को थिएटर नहीं मिल रहे को आप भूल जाइए हमारा प्रीमियर हो रहा है yes. वो बहुत yes. वो बहुत बड़ी बात है 25 अगस्त को टाटा yeah. प्ले पे होगा उसके बाद आपका एयरटेल yes, yes. उसपे डिश दिश दिश पे होगा डिश हाँ. सितंबर में बिल्कुल रंगमंच डीश और, रंग और व्हाटएवर तो जो अगर थिएटर लवर है अगर आप साहित्य को प्यार करते हैं देखिए लिटरेचर फेस्टिवल दोबारा आ रहा है पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन लिटरेचर फेस्टिवल कहीं ना कहीं जब तक क्रिएट नहीं करोगे तब तक नया अच्छा नहीं करोगे तो फिर आपका ये कुछ रह ही नहीं जाएगा ना बिल्कुल मैंने सुना था किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा था कि सोशल मीडिया जो है वो हमारा वक्त खा गया हमारा mm -hmm. टाइम खा गया mm -hmm. हमारा सब कुछ खा गया मेमोरी लॉस, आंखें लॉस ये छोड़ के कुछ अच्छा क्रिएट करो, जी, पर <laughs> जी. वो एक चैलेंज है इसमें बड़े खूबसूरत लोग यू कैन दिस ब्यूटिफुल्स प्रियम जी